जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी द्वारा जिले में स्थित अशोक सागर हलाली डैम का निरीक्षण किया गया। उन्होंने हलाली डैम के समीप स्थित गांव का भी भ्रमण कर डूब क्षेत्र का जायजा लिया तथा ग्रामीणों से चर्चा की। मौके पर उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि बांध में गेट नहीं होने के कारण किसानों की भूमि डूब में आती है। समस्या के निराकरण के लिए बांध में 5 गेट लगाए जा रहे हैं। इसके लिए 24 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है और टेंडर भी हो गया है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार द्वारा काम प्रारंभ कर दिया गया है, जो कि शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। अगली बारिश के पहले इस डूब की समस्या का समाधान हो जाएगा। जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट तथा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने ग्रामीणों से चर्चा के दौरान कहा कि जिन किसानों की भूमि पानी में डूबने से फसल बर्बाद हुई है, उन्हें मुआवजा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री से बात करेंगे। उन्होंने जमुनिया गांव में पुलिया निर्माण के निर्देश भी दिए। थोड़ा नीचे रखना सर। आज आपने यहाँ पे निरीक्षण किया है, किस तरह के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं? सम्राट अशोक के नाम से, पहले हाजी के नाम से, एक वर्षों से हमारे इस डैम पर गेट की कमी थी। अब हम 5 गेट लगाने जा रहे हैं, जो किसानों की भूमि डूबती थी, इसकी समस्या का समाधान होगा। क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार, किसानों की सरकार है, अन्य नेताओं की सरकार है, और ये सिंचाई का रकबा बढ़े, पर सिंचाई के इस डैम के कारण डूबे, ये हमारे सामने चुनौती थी। इस समस्या का समाधान के लिए हम इस डैम पर लगभग 5 गेट लगाए जाएंगे। इसके लिए लगभग 24 करोड़ रुपए खर्च होने वाला है और सारी योजनाएं बन गई हैं और युद्ध स्तर पर काम आपके सामने बुरा है। मेरा प्रयास, मेरी कोशिश कि हम मार्च में इस समस्या का समाधान करें और कार्य प्रगति पर इसका आप लोगों को समर्पित कर देंगे। अगली बारिश तक, जो अभी हम देख के आए हमें प्रभुराम जी के साथ, कि इनकी विधानसभा के कुछ गांव जो डूब में आए हैं, उसका समाधान भी करेंगे, उसका निराकरण भी करेंगे। सर, जैसे अभी नींदौन गांव गए थे, वहां पर भी आपने अधिकारियों को बोला था कि अगली बार एक भी बूंद नहीं आए पानी, इस विषय में क्या कहेंगे? तो आपके सामने तो निर्देश दे के आए आप थे, और मैं सोचता हूं कि जिस किसानों को जो पानी गिरा है, कुछ फसल खराब हुई है, इस संबंध में हम प्रभुराम जी के साथ मैं मुख्यमंत्री से बात करूँगा और राजस्व मंत्री से बात कर कर उनको राहत राशि हम दिलाएंगे। ये बड़ी सौगात सम्माननीय प्रभुराम चौधरी जी, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमारी विधायक क्या भाभी जी, रुद्र प्रताप जी हैं, भाभी जी भी मुझसे निरंतर संपर्क में हैं। उनकी एक आपत्ति थी कि मैं बिना सूचना के, बिना जानकारी के, क्योंकि हमारी संस्कृति भाभी का महत्व भाई से ज़्यादा, और भाभी की तरफ से जो सुझाव भी आए, जो पानी हमारा ये जा रहा है, इसका कैसे उपयोग करें, सदुपयोग कैसे करें, इसके भी मैंने सारे अधिकारी को निर्देशित किया है। इस जो पानी अपव्यय नहीं हो, इसका उपयोग हो, इसकी एक रचना, एक योजना बनाकर फिर इसको विस्तृत रूप से जानकारी दूँगा। सारे सी और एसी सब ही हैं, निधन गाँव में गए वहाँ पर, तो अब वहाँ पर किस तरह के प्रबंध किए जाएंगे ताकि गांव में पानी ना भरा है? एक तो सबसे पहले अगले साल जो ये पानी की समस्या, मैंने कहा 5 गेट लग जाएंगे, तो एक भी किसानों का, एक भी खेत, एक भी किसानों की ये डूब का सामना नहीं करने पड़ेगा। उसके लिए तो आए हम समाधान करने के लिए। और बोलो। रायसेन से विमलेश कुमार की रिपोर्ट।